हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अच्छा सा वीकेंड गुजर रहा होगा। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम करेंगे एक अच्छा नाइस मेकअप लुक। पार्टी का भी हो सकता है, आप कहीं भी किसी नॉर्मल फंक्शन पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेहंदी का है, बर्थडे पार्टी है, या आपके ऑफिस का कोई फंक्शन है, कोई इवनिंग डिनर है, तो आप उस पर ये मेकअप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इस मेकअप का जो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू क्रिएट अ लिटिल बिट लाइक पिंक टोन फाउंडेशन, आप कैसे आप बना सकते हैं। जैसे मोस्टली पाकिस्तान में आजकल बहुत चल रहा है कि काशिश का करते हैं सब लोग, पिंक उसके फाउंडेशन भी लेते हैं। और मैं आज आपको कोशिश करूंगी कि घर में आप कैसे बना सकते हैं पिंक फाउंडेशन अपने चेहरे के लिए, और आप कैसे खुद क्रिएट कर सकते हैं कि पिंक फाउंडेशन मेकअप बनाएं और आप कैरी करें और किसी भी फंक्शन पे आप जा सकते हैं उसको। तो उसका क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई विद रेटिनॉल। ये बायो बैलेंस का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बायो बैलेंस का मैंने लिया है, बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक इट, इट्स रियली गिविंग मी अ ग्लो ऑन माय स्किन। अभी आप देखते हैं, मैंने रात का लगाया था, अभी सिर्फ फेस वॉश किया, स्टिल आई एम हैविंग अ वेरी नाइस, डो आई हैव अ मैच्योर स्किन बट स्टिल इट्स टू गुड। सो डू अप्लाई दिस वन। मैं इसके एक दो ड्रॉप्स लूँगी ये ऐसे। अगर आपने डायरेक्ट लगाना है तो इस पर डायरेक्ट लगा लें, ये लिक्विड ही है। तो ये मैंने ये ले लिया क्रायलॉन का 36 शेड लूँगी, और मैं कंसीलर अपने चेहरे पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई जस्ट ट्राई टू कवर विद कंसीलर, सॉरी दिस फाउंडेशन 36 क्रायलॉन का। अगर आपका स्टिक है तो स्टिक ले लें। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी लिटिल डार्क ब्राउन शेड, किसी भी कोई सा भी कंपनी का ले लें, बस थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ले लूँगी टू मेक इट एक दो पम्प। दैट्स इट। इसको मैं करूँगी अच्छी तरह मिक्स, इन दोनों को मैं अच्छी तरह करूँगी मिक्स। और बजाय ऑरेंज कंसीलर बनाने के, मैं हमेशा ये वाला इस तरह बना लेती हूँ ताकि एक तो अच्छी कवरेज भी दे देता है और अच्छा आपका स्मूथ सरफेस हो जाती है। तो ये मैं अब लगा लूँगी अपने अंडर आईज के पास। लगा ली, इसको मैं हाथ से ही रब करूँगी, इट्स जस्ट लाइक अ प्राइमर फॉर मी, जैसे आप प्राइमर लगाते हैं किसी भी कंपनी का, जो भी आपको अच्छा लगता है। अभी मैं ले रही हूँ ये टू फेस्ड का कंसीलर है, बल्कि फाउंडेशन ले रही, कंसीलर ले रही हूँ। ये मैंने ले लिया कंसीलर, आप कंसीलर लेने कंसीलर ले लें, कंसीलर और फाउंडेशन एक ही चीज़ होती है। कंसीलर जो है ज़रा थिक कंसिस्टेंसी वाला होता है, फाउंडेशन थोड़ा सा लाइट होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा, अगर आपने फुल कवरेज लेनी है तो हमेशा कंसीलर आप यूज़ करें। ये मैंने ले लिया है, इसमें मैं अब डालूंगी थोड़ा सा, आई विल ऐड पिंक या पीच शेड, बस इतना सा ड्रॉप, इतना सा लेके इसको मैं मिक्स करूंगी और मैं ये अपना पिंक फाउंडेशन टोन बना लूंगी इसकी। ये देखें, थोड़ा सा और ऐड करूंगी पिंक, एक दो ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, ज़्यादा नहीं ऐड करें एकदम, क्योंकि फिर ज़्यादा मिक्स करने में कहीं ख़राब ना हो जाए। आई थिंक इट्स मोर देन गुड। अब आई विल स्टार्ट अप्लाइंग ऑन माय फेस। फॉर एवर का और ये वाला टू फेस्ड, ये दोनों में मिला के यहाँ लगाऊंगी हल्का हल्का। तो थोड़ा सा पहले ये ले लूँगी, ये वाला फुल कवरेज ही है, मोर देन एनफ। इसी में मैं मिक्स करूँगी ये वाला कंसीलर टू फेस्ड का, थोड़ा सा आई विल मिक्स एंड आई विल अप्लाई हियर and here and here, और इनको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। लिक्विड कोई भी ब्लश ये लूँगी यहाँ हाथ पे, और जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर था जिस पर मैंने फाउंडेशन लगाया था उसकी इस साइड से, जहाँ पे मेरा
फाउंडेशन नहीं लगा हुआ, उसकी दूसरी साइड से लेके यहाँ चेहरे पे एज अ ब्लश लगा लूँगी। मैकअप कंसीलर में बहुत ज़्यादा कंसीलर नहीं लगाऊंगी, बस थोड़ा सा NW45 शेड है थोड़ा सा लेके इसे यहाँ पे एक डॉट ये जगह थोड़ा सा और ये जगह थोड़ी सी बहुत लाइट वेरी लाइट कंटूर है और यहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी ये दैट्स इट। और ये मेकअप फॉरएवर दोनों पाउडर्स को मिक्स करके चेहरे पे पूरे लगा लूँगी। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर ली है दोनों। अब मैं यहाँ से इसको ऐसे डस्ट आउट करूँगी एंड आई विल अप्लाई ऑल ओवर माय फेस। आँखों पे लगाने के लिए पाउडर लगा रहे हैं चेहरे पे तो स्माइल ना करें, क्योंकि अगर हम स्माइल करेंगे तो यहाँ थोड़ी थोड़ी ना लाइन्स बन जाएंगी, तो ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि पाउडर जो होता है एकदम सीमेंट का काम करता है। तो जब हम अब मैं यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी पैलेट होगा वो यूज़ करें। मैं जैकलिन का पैलेट यूज़ करी, मॉर्फी पैलेट। उसमें से मैं अब आई शेडो लूँगी, ये जो सबसे लाइट वाला शेड है ये वाला लूँगी, ये वाला लगाऊँगी, इसी से स्टार्ट करूँगी आईज पे मेकअप। बेसिकली ये एक ऐसा शेड है जो आपको बेस दे देता है आई की, कि कोई अगर आई शेडो लगाना हो, जैसे फेस पे हम प्राइमर लगाते हैं तो आई शेड कभी भी एक तरह से बेस लगाने के ऊपर जब आप लगाते हैं तो प्राइमर का ही काम करता है कि एक अच्छा सा दूसरे आई शेड उसको इन्हांस करता है। और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। और जो अंदर वाला एरिया वहां मैंने हल्का सा लाइट शेड लगा लिया, इलेक्ट्रिक ब्लू, ये वाला ब्लू या पर्पल आप कह लें, ये मैं थोड़ा सा लूंगी एंड लविंग दिस वन, और इसको इसके ऊपर हल्का हल्का और लगाऊंगी। मैं पेंसिल ब्रश लूंगी और पेंसिल ब्रश पे यही ब्लू शेड ये वाला ये लूंगी और नीचे वाले आईलैश को लगाऊंगी। ये हो गई है, मैं हल्का हल्का इसको जो लाइट मैंने शेड बिल्कुल सेंटर में लिया था ये कॉर्नर्स में सॉरी को मैं इसे ऐसे ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा और स्मूथ और नीट लुक आ जाए। मैं सोच मेरा आई मेकअप हो चुका है। मैं अब ये फेस पे जितना भी मैंने लगाया था पाउडर उसको हल्का हल्का मैं डस्ट आउट करूंगी और अब हम आएंगे एक और स्टेप की तरफ कि काशी का जो पिंक बेस होता है उसको और कैसे एनहांस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम ब्रश ऑन लेंगे, थोड़ा सा उसी ब्रश पे लेंगे जिस पे आपने लगाया था पाउडर, इसको लेंगे, इसको से डस्ट आउट करेंगे और आप सारे फेस पे से हल्के 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 बिल्कुल वेरी लाइट ऐसे फैलाएंगे, पूरे स्पेशल पर लगा लेंगे। आप देखो नोट करें आप थोड़ा सा कि कैसे हल्का हल्का पिंक आपका बेस बनता जा रहा है। गर्दन पे भी लगाएंगे और ताकि सब एक टोन लगे। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए चाहे आप तो छोटा ब्रश ले लें, बड़ा है तो बड़ा ले लें, इट्स नॉट फैन ब्रश है तो फैन ब्रश ले लें,
मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश इसलिए यूज़ करती हूँ हाईलाइट के लिए कि वो ज़रा, वरना एक ये लाइन जो है ना ऐसे हाईलाइट की वो मुझे अच्छी नहीं लगती, आई लाइक समथिंग स्मज। तो मैं बड़ा सा ब्रश लेके इसको स्मज करती हूँ, जैसे कभी आपने देखा होगा बच्चों की स्किन जब शाइन करती है, ग्लो करती है, या किसी टीनेजर की, तो वो पूरा यहाँ से ग्लो करती है, वो सिर्फ एक लाइन यहाँ से शो नहीं करती। सो कीपिंग इन माइंड दैट आई ट्राई टू मेक इट अ लिटिल यूज विद अ बिग ब्रश। बेशक आप छोटे ब्रश से लगा लें, उसके बाद आप बड़े ब्रश से लेके देन जस्ट ब्लेंड इट आउट, जस्ट ताकि वो एक छोटी सी बारीक सी लाइन सी जो चेहरे पे होती है ना अक्सर, वो वोंट बी विजिबल, इट शुड लुक लाइक अ नेचुरल स्किन। मैं अपना मेकअप फिक्सर ले आई हूँ, उसको मैं शेक करूँगी। आप किसी भी कंपनी का जौन सा भी आपको मेकअप फिक्सर स्प्रे अच्छा लगता है, मैक का भी अच्छा है, वो आप लें और हल्का हल्का स्प्रे अपने चेहरे पे कर लें। थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के करेंगे हम लोग, लेट इट ड्राई। जितना ड्राई होगा आप देखेंगे आपकी स्किन कैसे अच्छी ग्लो करना शुरू कर देगी। तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। मेरे पास इस वक्त मेरे लिप पैलेट की हल्क करूँगी, पहले मैं ये वाला शेड लगा लेती हूँ लिप्स पे, ये वाला वेरी लाइट शेड, जस्ट गिव इट अ बेस टू माई लिप्स, मेरी लिप्स का एक बेस बन जाएगा। ये हल्का गोल्डन सा शेड है, कैन यू सी, ये वाला रेड, ये वाला रेड डालू इसके अंदर। अब बनाएंगे हम बाल। अगर हाईलाइट आपको और लगाना है आप और लगा लें, अगर आपको अपना ब्लश और डार्क करना है डार्क कर लें। आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर मी एंड आई होप के एवरीथिंग इज वेल सेटल नाउ। अब मुझे बाल बनाने हैं, फिर मैं इयररिंग्स डालूंगी एंड देन आई एम ऑल रेडी टू गो और टू अटेंड अ पार्टी। मैं डालती हूँ, आई होप इट्स ऑल डन, आई डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा। अब मैं करूँगी अपना ड्रेस पहनूंगी एंड देन आई विल रेडी टू गो। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ट्यूटोरियल। डू ट्राई दिस काइंड ऑफ काशी स्टाइल लिटिल बिट पिंक टोन फाउंडेशन एंड आई होप यू लाइक इट। इंस्टेड ऑफ जो लोग स्पेशली बाहर रहते हैं उनको हमेशा, जैसे मेरे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं बाहर रहते हैं, उनको मंगवाना या बनाना काशीज़ के, अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा है तो मंगवाएं आप, वेरी गुड, वेल एंड गुड। इफ़ नॉट देन यू कैन डू लाइक दिस एट होम, इजी कम इजी गो एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल एंड अफोर्डेबल विद इन योर बजट एंड मनी पॉकेट फ्रेंडली इम्पैक्ट। तो आई होप कि आज का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशंस। सी यू, बाय।